नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीटी परीक्षा को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने निकल कर आ रहे थे, चाहे वो पेपर रिपीट को लेकर हो या फिर परीक्षा में अनियमितता और धांधली को लेकर हो, और जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही बड़ा अहम फैसला लिया गया है। और ये फैसला कितने हद तक सही होगा, सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्तियों की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपने देखा था कि टीटी सालवर गिरोह का भांडाफोड़, तीन लेखपाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में पकड़े गए लोगों में 8 सालवर सरगना भी शामिल है। लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है, लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने निकल कर आ रही है। लेखपाल की संख्या यहां पर 5 हो गई है, साथ ही अब यहां से पूरे 19 लोगों को और यहां पर पकड़ा गया है। तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 80,000 प्रति छात्र की दर से यहां पर जो है वसूली भी की गई है। और सबसे अहम यहां पर मुद्दा है कि यूपी टीटी 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न, और यहां पर लगभग ये मान के चलिए कि 80% यहां पर जो प्रश्न थे ये 2017 के ही रिपीट किए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है, और जिसके चलते यहां पर छात्रों के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया जा रहा है। प्रयागराज हाईकोर्ट का यहां पर सहारा लेने की कोशिश की जा रही है, और जिसके चलते यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा चंदा भी वसूला जा रहा है। और यहां पर अभ्यर्थियों की मांग है कि इस परीक्षा को जो है रद्द करके और पुनः यहां पर जो परीक्षा है इसका आयोजन किया जाए। अब ये फैसला कितने हद तक सही होगा या फिर गलत होगा, तो देखिए यहां पर जो है मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो है परीक्षा देखिए जो है रद्द हो या ना हो हाईकोर्ट जाने से, लेकिन यहां पर एक चीज का नुकसान यहां से जरूर देखने को मिलेगा, और वो होगा कहीं ना कहीं सुपर टीटी को लेकर डिले। यहां पर जो है पहले से ही काफी ज्यादा यहां पर डिले हो चुका है सुपर टीटी को लेकर, लेकिन अगर ये मुद्दा हाईकोर्ट में जाता है तो एक बार फिर से यहां पर सालों का जो डिले है वो देखने को मिलेगा सुपर टीटी को लेकर। और आपके हिसाब से ये निर्णय कितने हद तक सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।